40 गेंद में वर्ल्ड रिकॉर्ड शतक बनाया ग्लेन मैक्सवेल ने, दिल्ली में नेदरलैंड्स को उड़ाया। तो बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, और बड़ी खबर यह है कि ग्लेन मैक्सवेल ने, ऑस्ट्रेलिया के तूफानी बल्लेबाज ने, सिर्फ 40 गेंदों में जड़ दिया है वर्ल्ड कप के इतिहास का अब तक का सबसे तेज शतक, और एक नया रिकॉर्ड ग्लेन मैक्सवेल ने बना दिया है। और अब वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक है ग्लेन मैक्सवेल के नाम, जिन्होंने सिर्फ 40 गेंदों में 100 रन बनाया और नेदरलैंड्स के गेंदों को बुरी तरह उड़ाया। तो अगर हम बात करें ग्लेन मैक्सवेल की, तो उन्होंने 44 गेंदें कुल खेली जिसमें उन्होंने 106 रन बनाए, 9 चौके और 8 छक्के लगाए। इस दौरान जो उनका स्ट्राइक रेट था वो 241 से ज्यादा का रहा। भाई साहब, 8 छक्के, 9 चौके, 106 रन सिर्फ 44 गेंदों में, और जो 100 रन आए उनके पहले वो 40 गेंदों में आए। अब मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड कप में जो सबसे तेज शतक है उसमें मैक्सवेल अब मार्करम से ऊपर आ चुके हैं। मार्करम ने भी कुछ दिन पहले 49 गेंदों में शतक बनाया था, जिससे ऊपर चढ़कर मैक्सवेल ने यह कारनामा सिर्फ 40 गेंदों में कर दिया है। केविन ओब्रायन ने 50 गेंदों में बनाए थे, ग्लेन मैक्सवेल ने इससे पहले 51 गेंदों में बनाया था वर्ल्ड कप में, और एबी डिविलियर्स ने 52 गेंदों में कारनामा करके दिखाया था। तो एक नया रिकॉर्ड, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड आपको देखने को मिला है 2023 वर्ल्ड कप में, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस नेदरलैंड्स के मैच में, जहां पर ग्लेन मैक्सवेल ने खेली है तूफानी पारी। इससे पहले डेविड वार्नर ने 93 गेंदों में 104 रन बनाए थे, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल के इस शतक ने नेदरलैंड्स को पूरी तरह उड़ा दिया, और ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत ही दमदार और बड़ा स्कोर बनाया है, जहां तक नेदरलैंड्स के लिए पहुंच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा।